तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मैं उम्मीद करता ठीक होंगे। स्वागत है आपका जिला न्यूज में। इस समय फॉर्म निकला एपीओ का उत्तराखंड का, उसमें उत्तराखंड के बारे में जरूर पूछा जाएगा और ये सिलेबस में भी है, तो इसको जरूर देखिए। चले बिना किसी देरी के देखते हैं उत्तराखंड का। यहाँ पे हमें महाभारत के वनपरों के राजा विराट का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी विराटगढ़ थी। ये महाभारत को बता रहे हैं। महाभारत के वनवर्ग में हरिद्वार के केदारनाथ तक के क्षेत्र का वर्णन मिलता है। उस समय के क्षेत्र में पुलिंद का किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद और किरात जातियों का पुलिंद राजा सुबाहु, जिसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, की राजधानी श्रीनगर थी, जम्मू कश्मीर कहा गया। महाभारत के वनपर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडव ने इस क्षेत्र में आने का उल्लेख किया था। ठीक है, इतना महाभारत में मिलता है। रामायण में देख लेते हैं। टिहरी गढ़वाल की हिमालय पट्टी में विनोद नामक पर्वत पर विशिष्ट गुफा वशिष्ठ आश्रम एवं वशिष्ठ कुंड स्थित है। ये आप याद कर लीजिएगा। टिहरी गढ़वाल में हिमालय पट्टी में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड स्थित है। श्री राम के वनवास जाने और वशिष्ठ मुनि ने अपनी पत्नी अरुंधति ने यही निवास किया था। तपोवन टिहरी गढ़वाल के जिले में स्थित है, जहाँ लक्ष्मण ने तपस्या की थी। पौड़ी गढ़वाल के कोट विकासखंड में सितोनस नामक स्थान पर, इस स्थान पर माता सीता पृथ्वी ने समाहित थी। ठीक है, इस कारण कोट ब्लॉक में प्रत्येक वर्ष मंसार मेला भी लगता है। यहाँ पे कौन मेला लगता है भैया? मंसार मेला, याद रखिए, मन को सार करने वाला। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभिज्ञा शकुंतलम। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे अभिज्ञा शकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। प्राचीन काल में उत्तराखंड के दो विद्यापीठ थे। पहला क्या था? बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम था। कर्णवाश्रम उत्तराखंड के कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूर हेमकूट और मरिकूट पर्वत की गोद में स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद कौणासाम के दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का जुड़ाव भी है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री है। तो शकुंतला कौन है? ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री है। मेनका की पुत्री कौन है? तो भैया शकुंतला है। शकुंतला और दुष्यंत का एक पुत्र हुआ है भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है। शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है जिसका नाम भरत है, उसी के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा है। इसी कंवराश्रम में कालिदास ने अभिज्ञा शकुंतलम की रचना की है। कंवराश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह स्थान चौका घाट के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है? चौका घाट है। ठीक है, कंवराश्रम जो था उसका वर्तमान नाम चौका घाट, याद रखिएगा, भूल मत जाएगा। फिर है मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के अनुसार अलकापुरी कुबेर की राजधानी थी। अलकापुरी है वो कुबेर की राजधानी थी। प्रमुख मंदिर जाखन देवी मंदिर, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों की निवास की पुष्टि मिली है। बेनीनाग मंदिर पिथौरागढ़ के बेनीनाग मंदिर में कुमाऊं क्षेत्र से नाग जातियों की पुष्टि मिलती है। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में बहुत से नाग मंदिर, बेनीनाग, कालीनाग, पिघलनाग, वासु किन्नरा नाग आदि थे, जो प्राचीन काल में नाग जातियों की निवास की पुष्टि करता है। हमारे जो नाग देवता हैं उत्तराखंड के इसी बेनीनाग मंदिर में स्थित है। पिथौरागढ़ में इनकी बहुत ज़्यादा लेख और मंदिर मिलते हैं। अब इनके प्रमुख लेख देख लेते हैं। कालसी शिलालेख, अशोक ने 257 ईसापुर है, ठीक है, ईसापुर जो उनका जन्म नहीं हुआ था, ईसा मसीह का ईसापुर, यहाँ पर ईसापुर अभिलेख कालसी की स्थापना की थी। किसने की थी? अशोक ने 257। कालसी देहरादून के उत्तर में टोंस समुद्र यमुना नदी के संगम पर स्थित है। यह अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखी है, लिपि है। इस अभिलेख में अशोक द्वारा घोषणा की गई है कि उसने अपने राज्य में हर स्थान पर मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, और साथ ही साथ इसमें लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही थी। तो भैया अशोक पहले बहुत ही हिंसक था। उन्हें कलिंग के युद्ध, आपको कलिंग का युद्ध मालूम होगा कि जिसमें कलिंग के राजाओं को हराने के लिए अशोक ने धुआंधार युद्ध किया। और कलिंग में एक विशेषता थी कि वहाँ पे बहुत हाथी और घोड़े थे, इसलिए उनसे कोई युद्ध नहीं करता था, हाथियों की भरमार थी। और अशोक ने कलिंग का युद्ध जीतने के बाद ही त्याग दिया और अंतिम में बौद्ध धर्म अपनाया, फिर दूसरा धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपना के उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है, उसके बाद वो दक्षिणी भारत में चले गए, वहाँ पे अपना खाना पीना छोड़ के प्राण त्याग दिया। तो ये अशोक की कहानी है। एक अशोक महान राजा था। अशोक किसका पुत्र था? बिम्बिसार का पुत्र था। ये भी याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है अशोक किसका पुत्र था? बिम्बिसार। राजकुमारी ईश्वरा का
लाखा मंडल शिलालेख कहाँ मिलता है? देहरादून के जौनसार बाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमार ईश्वर का ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। राजकुमार ईश्वरा के पिता का नाम भास्कर वर्मन था। इसके पति जलंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त थे। इस शिलालेख में यदुवंशी यादों की राज की पुष्टि हुई है। राजकुमारी यहाँ इस यदुवंशी राजों का यहाँ पे अभिलेख भी मिलता है। यदुवंशी राज इसे यादव सब कहते हैं। ये था हमारा उत्तराखंड का, ठीक है, प्राचीन काल। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा काल। ये हमारे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल था, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में हम प्राचीन काल के पढ़ेंगे, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। तो अभी हम सब लोग ये धर्म अभिलेख के बारे में पढ़ रहे थे और ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आने वाला वीडियो बहुत ही बढ़िया होगा, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसमें से भी बहुत आते हैं बहुत, मगर कठिन पेपर बन जाएगा तो इसमें से ही सब दे देगा। और इसीलिए इसको भी एकदम पढ़ लीजिए और उसको भी जो हम पढ़ाए जाएंगे अगला पार्ट उसको भी देख लीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, तो जिससे हम और अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में और उत्तराखंड के विकास, उनके राज की क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पढ़ा जाएगा लाइन बाय लाइन। आज से शुरुआत हो चुकी है, तो सपोर्ट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यह तारीख अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।